बिहार में गुरु रहमान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए कई साल से अदम्य अदिति गुरुकुल चलाने वाले गुरु रहमान सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी फेमस हैं। पटना में 11 रुपए फीस में गुरु रहमान से शिक्षा प्राप्त करने वाला एक छात्र आज बेगूसराय का गुरु रहमान बना हुआ है। इन गुरु रहमान की भी उतनी ही चर्चा होती है जितनी पटना वाले गुरु रहमान की। बेगूसराय के गुरु रहमान भी गरीब, अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को महज 11 रुपए फीस लेकर पढ़ाते हैं। वे अपने लाजवाब स्टाइल और बिना किसी नोट्स के जरूरतमंद बच्चों को फ्री पढ़ाने की वजह से इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। बेगूसराय जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर गढ़पुरा गांव के रहमान ने वर्ष 2012 से 2015 तक पटना में रहकर गुरु रहमान के यहां 11 रुपए फीस में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अपने गांव जाकर गरीब बच्चों के साथ साथ खासकर इलाके की बेटियों की पढ़ाई पूरी करने के लिए वर्ष 2016 में रहमान कम्पिटिशन कोचिंग सेंटर खोला। तब से लगातार 11 रुपए फीस में गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चों को शिक्षा देकर उनके सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करवा रहे हैं। गुरु रहमान कहते हैं कि उनका लक्ष्य है हर गरीब के बच्चे के हाथ में किताब और कलम नाम का हथियार हो। अगर कोई छात्र गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दे तो ये एक शिक्षक के लिए अपराध है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि गुरु रहमान जैसे गुरु हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। इस कोचिंग का शुरुआत जो हुआ था गुरु रहमान सर पटना में जो पढ़ाते हैं उनसे प्रेरणा लेकर, क्योंकि हम भी वहाँ 11 रुपया में जो है पढ़ाई किए थे और हमको लगा कि जब गांव आए तो गांव में लगा कि बच्चों को जो है कंपटीशन के बारे में जानकारी देना चाहिए। और जो यहाँ के गरीब बच्चे थे जो बाहर तक नहीं जा पाते थे, खास करके जो बच्चियाँ हैं यहाँ की, ठीक है, उनके गार्जियन अलाउड नहीं करते हैं पटना, समस्तीपुर या बेगूसराय जाने के लिए, तो हमको लगा कि यहाँ कंपटीशन कोचिंग की स्थापना की जाए। और 12 जनवरी 2016 से जो है कंपटीशन कोचिंग की स्थापना किए और उस दिन से फिर निरंतर अभी तक क्लास चलता जा रहा है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? लगभग 300 बच्चे हमारे यहाँ जो है क्लास कर रहे हैं। इस दौरान जो है सैकड़ों बच्चों का रिजल्ट हुआ विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में। जैसे जब आपके बच्चे दरोगा बनते हैं, 11 रुपये में पढ़ के दरोगा बनते, कितनी खुशी आपको होती है? बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं भी कभी 11 रुपये में पढ़ा था। उन बच्चों को क्या सलाह दे रहे हैं? उन बच्चों को सलाह देना चाहते हैं कि आप जब क्षेत्र में जाएंगे, जब जो है आप क्या कहते हैं जॉब में जाएंगे, तो उस दौरान जो है आप भी गरीब बच्चों को या जो बच्चे हैं उनको मदद करना। तो आपने सुना कि बेगूसराय के गुरु रहमान के गुरु रहमान बनने की क्या कहानी है और क्यों इन्होंने बच्चों को पढ़ाना 11 रुपये में शुरू किया। ऐसे में इन्होंने लोकल एटीन से ये भी बताया कि 11 रुपये फीस रखने के पीछे इनकी क्या कहानी रही। 11 रुपये फीस की क्या कहानी? 11 रुपये फीस इसलिए कि जो है कि ये शिक्षा हर बच्चों तक पहुंचे। कोई भी बच्चा गरीबी के अभाव में जो है पढ़ाई अपना छोड़ दे, ये नहीं एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। तो आपने सुना कि एक शिक्षक के लिए समाज में अशिक्षित बच्चे अब एक अपराध हो सकते हैं। ऐसे में इनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का क्या सपना है, आइए ये भी जानते हैं। कितने घंटों की पढ़ाई यहाँ करेंगे? यहाँ 3 से 4 घंटों की पढ़ाई होती है। और आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो सर बार बार समझाते हैं, जब तक नहीं समझते सर तब तक बताते रहते हैं। किस सपनों को लेकर आए? हम एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, उसमें हम बीएसएफ पद पे जाना चाहते हैं। हम रहमान कंपटीशन कोचिंग में पढ़ने आते हैं। यहाँ पर हर विभाग में हर तरह के रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, हर तरह की तैयारी कराई जाती है। और वो भी केवल कम से कम फीस में। यहाँ पर बहुत ही निम्न स्तर के गरीब से गरीब बच्चे को सर यहाँ कितने घंटों की पढ़ाई कराएंगे? यहाँ पर 3 से 4 घंटे को पढ़ाई की जाती है। दुनी से आते हैं यहाँ, लगभग हम 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ हम 11 रुपया देकर इस कोचिंग में हम पढ़ाई कर रहे हैं।